हेलो फ्रेंड्स, दिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोलों की टिक्की, तो आइए शुरू करते हैं। टिक्की के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम अपनी टिक्कियां बनाना शुरू करेंगे। टिक्की के लिए हमने ये छोले उबाल के रख लिए हैं, ओवरनाइट सोक करके फिर उबालने के लिए रख दिया है। ऐसे एकदम हो जाने चाहिए, ठीक है। दो हरी मिर्च काट के रखी हैं, हमें इसके लिए 3 चम्मच बेसन भून के रख लिया है, ये ड्राई रोस्ट किया है। हरी धनिया, 1 मीडियम साइज की प्याज को हमने पतला पतला चॉप कर लिया है। तो हम शुरू करते हैं। एक मिक्सिंग बोल में सारे ये जो हमने छोले भिगोए हुए हैं वो ले लेंगे, 1 प्याज जो मैंने चॉप करके रखी है, धनिया, हरी मिर्च और 3 चम्मच भुना हुआ बेसन, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, नमक आपके स्वाद के अनुसार, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मैश कर लेना है। इस तरह से वे मिक्सचर को अच्छे से हाथों की सहायता से मैश कर लिया इस तरह से। अब हम इसकी टिकिया बनाएंगे। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाकर इसकी गोल अच्छी सी टिकिया बनाएंगे। आप कोई भी शेप बना सकते हैं, टिक्की का शेप देंगे ऐसे। आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कोई भी साइज कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम इसमें अपनी टिक्किया डालेंगे इस तरह से और इसे मीडियम टू स्लो आंच पे बनाएंगे। फुल आंच पे नहीं बनाना है ताकि ये अच्छे से अंदर से पक जाए। इस तरह से हमें टिक्कियों को अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, एकदम कड़क हो जानी चाहिए, क्रंची होनी चाहिए। मैंने इसे धनिया पुदीना की चटनी के साथ और मैंने एक ये मायनीज और सॉस का एक डिप बनाया है उसके साथ इन गर्मा गर्म टिक्कियों को सर्व किया है। आप भी अपने घर में इसी तरह से टिक्किया बनाइए और अपनों को भी खिलाइए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।